हेलो एवरीवन, राम राम सभी को। क्या हाल चाल है? सुबह के बज रहे 7:37। आज दिन है सोमवार और तारीख है 20 मई। आज का सुबह बहुत प्यारा सा हो रखा है, पीछे देख सकते हैं धूप बिल्कुल भी नहीं है और आज सुबह से ही मौसम इतना अच्छा हो रखा है ना कि मन हो रहा है बस सोते ही रहे, सोते ही रहे, सोते ही रहे। तो सुबह उठ के स्नान ध्यान हो गया, मम्मी पापा को दे दिया चाय बना के, एंड इसके बाद से मैं कर रही हूँ ब्लॉग का स्टार्ट। 2 मिनट की वीडियो होती है, वीडियो पूरा देखा करिए, वीडियो को लाइक, पेज को फॉलो कर लिया करिए, और यूट्यूब पर अगर आप मुझे नहीं फॉलो करते हैं, नहीं सब्सक्राइब किए तो यूट्यूब पर सब्सक्राइब करिए। मेरे चैनल का नाम है प्रिया रियल ब्लॉग, यहाँ पर लिख दूंगी, तो जाइए सब्सक्राइब करिए। वहाँ पे भी मेरा पेमेंट रुका हुआ है थोड़ा, आप लोग का सपोर्ट वहाँ कम है, तो जल्दी से प्यार सपोर्ट दीजिए ताकि मेरा पेमेंट आ जाए। सुबह सुबह ये मौसम देख के दिल एकदम खुश हो गया, और चहचहाती चिड़ियों की आवाज़ और सुबह का ये हवा एकदम से शरीर को तरोताज़ा कर दिया। उसके बाद फिर से बनाया मैंने चाय, कटहल बॉयल किए, आलू कट किया, क्योंकि कटहल कोई एक जन नहीं खाता है घर में, तो फिर आलू मिक्स करना ही पड़ता है। उसके बाद मैंने चना दाल पीस लिया, साग धुल के रख लिया, और ये मेरा छोटा भाई, सबसे छोटा हम चार भाई बहनों में, जो कि ये सुबह सुबह गुस्सा हो रखा था क्योंकि मैं ले आई थी इसके लिए पैंट जो कि टाइट था, बोला पैसे बर्बाद कर दी, पैंट भी साइज का नहीं ले आई, तो मनाया, बोली दूसरा खरीदूंगी। फिर उसके बाद आई किचन में, चिप्स तली, उसके बाद बनाने लग गई कटहल की सब्ज़ी। कटहल की सब्ज़ी मेरी ऑल टाइम फेवरेट है, मुझे दोनों टाइम कटहल मिले तो मैं खाऊंगी, मुझे बहुत ही पसंद है, और थोड़ा सा ही स्पाइसी गरम मसाले के साथ मैं इसे बनाती हूँ, काफ़ी ज़्यादा मुझे पसंद आता है। उसके बाद मैंने बनाए चावल के फरे, जो कि भी मेरा फेवरेट है। पहले मैंने इतने बनाए बिना लहसुन के भाई के लिए, फिर ये वाला बनाया मैंने लहसुन के लिए, लहसुन डाल के। उसके बाद आ गई बारिश, खाना बनाने के बाद बारिश आ जाए तो क्या ही बात है, गर्मी से एकदम भीगी हुई थी, बारिश आ गया, मौसम बहुत ही अच्छा हो रखा था, एकदम दिल खुश हो गया। अभी हो रहा है 10:25, और सुबह सुबह ना मौसम ख़राब था, हम लोगों ने अनुमान लगाया था कि धूप नहीं निकला तो बारिश होगा ही होगा, बट इतना ज़्यादा तो नहीं, बट भीगने भर का बारिश तो हो ही रहा है, बहुत अच्छा मौसम हो रखा है। और ये जो मिट्टी से खुशबू आ रही है ना, मन हो रहा है कि बस इस खुशबू को लेते रहे, और इतना सौंधी सौंधी सी खुशबू आ रही है। और इस समय का सबसे पहला बारिश है, तो किसके किसके वहाँ बारिश आया इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बता दें, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम लोग तो आनंद ले रहे हैं, उम्मीद है कि आप लोग जहाँ से भी हैं आप लोग के वहाँ भी बारिश वगैरह आ रहा होगा, क्योंकि बहुत भीषण वाली गर्मी, गंदी वाली गर्मी हो रही थी, अभी तो मौसम ठीक है। चलिए थोड़ा सा आनंद लेते हैं, फिर मिलते हैं। बारिश का आनंद लेते लेते हमने किया है भोजन, ये है मेरी थाली, एंड इसके बाद 3 घंटे की प्रॉपर मैंने ठंडी मौसम वाली नींद ली। उठी तो मेरा वहाँ ना जो प्रेस है उसका तार खराब हो गया था, तार चेंज हुआ था, फिर मैंने बहुत सारे अपने कपड़े प्रेस किए, क्योंकि पानी सेवा देने जाने में ना बहुत सारे कपड़े मेरे ख़राब रखे थे, प्रेस नहीं हुआ था। फिर मेरा एक PR रिसीव हुआ था, उसको मैंने अनबॉक्स किया, जिसमें था ये प्यारा सा सूट का सेट, पैंट और कुर्ती का। मुझे नए कपड़े अनबॉक्सिंग करने और पहनने का बड़ा शौक है, मैं कपड़े की बहुत शौकीन हूँ, और एक बात बताऊँ, मैं सस्ते कपड़े ही पहनती हूँ। अगर आपको इस सूट का कोड चाहिए तो मैं कोड दे दूँगी, ये मीशो से है। फिर शाम को बहुत सारे आम अपने पेड़ से तोड़े गए, अचार बनाने के लिए काटना शुरू किया मैंने, तभी मुझे एक फ़ोन आया, तो मैं अचानक से ही निकल पड़ी, रात हो गए थे, रात के टाइम ही मैं निकल पड़ी कस्या के लिए, कस्या कुशीनगर, और मैंने कपड़े बिल्कुल भी चेंज नहीं किए थे, जो भी कपड़े मैंने टी शर्ट पैंट पहने हुए थे वही पहन के निकल गई है कुशीनगर गेट। एंड इसके बाद से अर्जेंट में निकली हूँ, एक दो दिन यहाँ रुकना पड़ेगा, ब्लॉग नहीं आएगा।